बीते दिन दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में हुए आतंकी हमले में आतंकियों से लड़ते हुए झज्जर के एएसआई रमेश कुमार गुलिया शहीद हो गए। शहीद रमेश कुमार झज्जर जिले के गांव खेड़ी चट के रहने वाले थे। रमेश की शहादत की सूचना मिलते ही उनके परिवार और पूरे गांव में शोक की लहर है। बताया जा रहा है कि आज शाम को शहीद का पार्थिव शरीर उनके गाँव लाया जाएगा और पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। रमेश की शहादत से पूरे गांव और देश को गर्व है। गांव के सरपंच और गांव वालों ने सरकार से मांग की है कि रमेश के बेटों को सरकारी नौकरी दी जाए और परिवार की आर्थिक सहायता भी की जाए। सर, मैं ये कहना चाहता हूँ 1990 में 14 जनवरी को भर्ती हुए थे रामपुर में, लेकिन खेल कूद में भाग लेते जरा आकर के हमारे को शिक्षा देते थे, अब भाई ऐसे ऐसे करना है, माँ बाप और गाँव का नाम रोशन करना है। आज जाते थे तब ये बोलते थे अगर मैं जल्दी आऊँगा और आप लोगों की खुदमत की तैयारी करूँगा। मेरे को गर्व तो है देश के लिए शहीद हुए हैं, लेकिन भाई चलेगा हमारे पीछे जो उम्मत ले इतना गर्व नहीं करने वाला। राम लक्ष्मण की तरह मतलब बोलता था चलेगा, लेकिन गर्व मेरे को बहुत है देश के लिए शहीद हुए, लेकिन मैं यही उम्मीद करता हूँ अभी आगे दो मेरे दो भतीजे हैं भर्ती के लायक हो रखे हैं, उनको मतलब हरियाणा गवर्नमेंट उनको मतलब सर्विस दी और मागे भी मैं भी मतलब शायद भी मैं 94 में भर्ती हुआ था, मैं भी देश के लिए सेवा कर रहा हूँ और करता रहूँगा, ये नाम रोशन करता रहूँगा जो मेरे भाई ने दिया। मैं भी आगे ऊपर चक्कर के कहीं भी जाओ मैं डरने के लिए कुछ वो नहीं है सिन्नता। कल हमारे गांव से जो रमेश गुड़िया जी शहीद हुए हैं उसके प्रति हमारे पूरे गाँव में संवेदना है, रोष है, दुख है, लेकिन एक गाँव में खुशी भी है कि वो देश के ऊपर शहीद हुए हैं। अब सभी की हमारे गांव से यही मांग उठ रही है कि जो उसका परिवार है शहीद का उसको आर्थिक तौर पर भी मदद की जाए और उसके दोनों लड़के जो हैं वे नौकरी के लायक हैं, जवान हैं, तो उनको भी सरकार नौकरी दे और शहीद का सम्मान करे। और हमें इस चीज़ का गर्व है कि हमारे गांव से रमेश गुड़िया जी जो आतंकवादियों से लड़ते वक्त शहीद हुए हैं, सच्चे दिल से हम पूरा गाँव उनको श्रद्धांजलि देते हैं, नमन करते हैं। उनको अंतिम विदाई देने की क्या तैयारी की? उनकी अंतिम विदाई देने के लिए हमने गांव से 150-200 जितने भी हमारे युवा साथी हैं वे जाएंगे और ढासा बॉर्डर से हम उनको एक सम्मान यात्रा उनकी निकालेंगे गांव तक और गांव के जो शमशान घाट हैं उसमें उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। रमेश हमारा चाचा जी लगता था, गांव खेड़ी जट का था, CRP में 1990 में भर्ती हुआ था, जो कि इसके दो लड़के पूरा परिवार माता पिता दोनों बच्चे इसी पर डिपेंड करते हैं और दोनों बच्चे बी ए फाइनल की डिग्री लेके कंप्यूटर कोर्स कर रहे हैं और रमेश छुट्टी भी आता था और गांव में बड़ी इज्जत थी इसकी, सभी इज्जत करते थे, बहुत अच्छा था। वो भी मैंने आज समाचार पत्रों में पढ़ा है, बहुत ही एक कष्टदायक एक घटना हुई है। अब शहीद के परिवार के साथ भी हमारी सहानुभूति है, ऐसे शहीदों के इस प्रकार के कृतित्व पर हमें गर्व है और निश्चित रूप से उनके परिवार की सहायता जो भी हमारी रीति नीति है उसके हिसाब से हम करेंगे।